दोस्तों, भारत रक्षा के क्षेत्र के साथ साथ स्पेस के क्षेत्र में भी नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसरो लगातार अपने स्पेस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहा है। इसरो इसी साल चंद्रयान 3, गगनयान, आदित्य L1 और मंगलयान 2 जैसे अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। वहीं इन सबके बीच भारत स्पेस में अपनी भागीदारी को लेकर भी सतर्क रहता है और समय समय पर अपने रिसर्च से दुनिया को रास्ता भी दिखाता है। इसी कड़ी में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ा खेल कर दिया है। भारत ने एक ऐसी खोज कर डाली है जिसने पूरी दुनिया के स्पेस साइंटिस्ट को हैरान परेशान कर दिया है, क्योंकि ऐसी खोज की कल्पना किसी भी देश ने नहीं की थी। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में एक ऐसी रहस्यमय खोज की है जिसने एक बार फिर भारतीय वैज्ञानिकों का डंका पूरे विश्व में मचा दिया है। दरअसल भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी रहस्यमय आकाश गंगा खोजी है जो अभी तक नजर नहीं आ पा रही थी। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों की इस खोज को कैसे बड़ी कामयाबी की तरह देखा जा रहा है, दुनिया कैसे इस आकाश गंगा को भूतिया कह रही है और किस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने इस खोज को अंजाम दिया है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड ज्ञान की तलाश में भी दुनिया के सामने अपना लोहा बनवाया है। इस बार भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक ऐसी आकाश गंगा को खोजी है जो अब तक नजर ही नहीं आ पा रही थी। यह एक ऐसी खोज है जिससे भविष्य में ब्रह्मांड के और नए रहस्यों का खुलासा हो सकता है। दरअसल ये वैज्ञानिक पहले से मौजूद एक विशाल आकाश गंगा पर एक रिसर्च कर रहे थे, तभी उनकी नजर इस एक रहस्यमय आकाश गंगा पर पड़ी जिसे भूतिया आकाश गंगा कहा जा रहा है। वहीं पर इस खोज में फ्रांस के शोधकर्ताओं ने भी सहयोग भारत का किया। भारतीय शोधकर्ताओं के एक ग्रुप ने फ्रांस के सहयोगियों के साथ मिलकर ब्रह्मांड में एक नई आकाश गंगा की खोज की है। शोधकर्ताओं ने लगभग 13,60,00,000 प्रकाश वर्ग दूर एक भूमि लेकिन तारों का निर्माण करने वाली ऐसी आकाश गंगा की खोज की है जो अब तक अज्ञात थी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी चमकीली आकाश गंगा के सामने स्थित है। यह खोज आकाश गंगा NGC 6902A के विश्लेषण के दौरान की गई, जिसे परस्पर एक दूसरे के प्रभावित करने वाले आकाश गंगा के रूप में पहचान मिली है। भारतीय खगोलकर्ताओं ने जिस आकाश गंगा की खोज की है वो इसी विशाल और ज्यादा चमकीली आकाश गंगा के सामने मौजूद है जिस पर अभी तक किसी वैज्ञानिक की नजर नहीं पड़ी थी। बेंगलोर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों की इस सफलता की घोषणा केंद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से की गई। इस रिसर्च में पेरिस स्थित फ्रांस के कॉलेज दी फ्रांस के वैज्ञानिकों ने भी अपना सहयोग दिया है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर क्यों इस आकाश गंगा को भूतिया कहा जा रहा है। दरअसल ब्रह्मांड में जिस नई आकाश गंगा का पता चला है वो बहुत ही धुंधली है और इसमें अभी भी तारों के विकसित होने के निशान मौजूद हैं। दरअसल बहुत ही चमकीली और विशाल आकाश गंगा के सामने मौजूद होने की वजह से इसकी छवि भूत की तरह महसूस हो रही है, इसीलिए इसे भूतिया आकाश गंगा कहा जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस आकाश गंगा की खोज की है वो पृथ्वी से 13.6 करोड़ प्रकाश वर्ग दूर पर स्थित है। यह आकाश गंगा उनके आसपास के काले आसमानों से भी 10 गुना धुंधली है। दोस्तों, अगर सामान्य शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आकाश गंगा में भारी मात्रा में गैस और धूल जमा होती है और ये अरबों सितारों और उनके सौरमंडल का एक समूह होता है। ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक साथ जुड़े होते हैं। पृथ्वी भी सौरमंडल का ही एक हिस्सा है, लेकिन यह भी हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का ही एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ पर हम जिस रहस्यमय आकाश गंगा की बात कर रहे हैं उसका पहला संकेत वैज्ञानिकों को तब मिला जब उनकी नजर NGC 6902A के दक्षिण पश्चिम के बाहरी क्षेत्र में पड़ी। उसकी रंगीन तस्वीर में बिखरे नीले उत्सर्जन में पड़ी। यह उत्सर्जन नए नए बने सितारों से हो रहा था जो कि इस आकाश गंगा का सबसे विशाल और बहुत ही कम समय तक जीवित रहने वाला तारा है। इसी से प्रेरित होकर शोधकर्ताओं ने उसमें ज्यादा दिलचस्पी ली। शोधकर्ताओं के मुताबिक ब्रह्मांड के द्रव्यमान के 15% तक ऐसी धुंधली आकाश गंगाएं हो सकती है। जनरल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में छपी रिसर्च के आधार पर नई आकाश गंगा को UVITJ 2022 का नाम दिया गया है। इस खोज ने यह भी संभावना जगा दी है कि विशाल आकाश गंगाओं से जुड़ी हुई ऐसी अनेकों धुंधली आकाश गंगाएं हो सकती है जो कि उनकी चमक की वजह से आसानी से दिखाई नहीं देती और भविष्य में उनकी पहचान भी की जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2022 में इसरो भी कई अहम प्रोजेक्ट को अंजाम देगा जिसमें गगनयान, चंद्रयान 3, समुद्रयान जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। इस साल भारतीय अंतरिक्ष मिशन कार्यक्रम का आगाज गगनयान मिशन के साथ शुरू होगा और साल 2022 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी 2 मानव रहित मिशनों को भी शुरू करेगी। इसके साथ ही भारत सरकार ने यह भी कहा है कि अगले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी सोलर मिशन, स्पेस स्टेशन मिशन की शुरुआत भी करने वाली है। भारत सरकार की तरफ से संसद में जानकारी दी गई है कि साल 2022 में इसरो बेहद महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कार्यक्रम वीनस मिशन की भी शुरुआत करेगा। हालांकि कोविड महामारी की वजह से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन इस साल भारत कई और मिशन को अंजाम देने वाला है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत की इसरो के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। साथ ही ऐसी आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।